सिंहपुर में तेंदुखेड़ा से बरमान तक करीब 26 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है। कंपनी ने डोभी से करीब 4 किलोमीटर तक का रोड खोद भी दिया है। रोड पर काली मिट्टी के साथ मुरम डाल दी गई। इससे पहले बारिश के साथ कीचड़ हो गया है। एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो रोड पर ना ही 4-व्हीलर है और ना ही 2-व्हीलर वाहन चल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई गंभीर रूप से अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए जाने की भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो गाड़ियां वाड़ियां नहीं कर रही। ये कितने दिन से बंद है? तो जब से पानी गिर रहा है जब से बंद है। सुपरवाइजर गेल ये बड़ी बस निकलती नहीं निकलती बड़ी नहीं निकलती जो हमारा हाईवे से जो चार पाटा से लेकर तेंदुखेड़ा का जो मार्ग बन रहा है सीधी सड़क का निर्माण जो जारी है कृष्णा कंपनी द्वारा इसका ठेका लिया होगा। तो इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं और बरसात के पहले ही लोगों को ऐसी व्यवस्थाएँ कर देनी थी जिससे कि हमारे आजू बाजू के गाँव वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अब बरमान जाने के लिए तो लोगों को परेशानी हो रही है और तेंदुखेड़ा जाने के लिए तो परेशानी हो रही है। जानकारी मिली है ग्रामीणों से कि उसने कंस्ट्रक्शन जो कर रहा था उस दौरान उसने कुछ मिट्टी डाल दी और बारिश के कारण रोड अवरुद्ध हो गया। तो उसने एक वाई फर्केट किया है उसको इस वक्त की तरफ से जा रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि उसमें काफ़ी डाउन पड़ रहा है। अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि जो 1 किलोमीटर में मिट्टी डली है उसको इस तरह से करें कि कम से कम आवा और प्रभावित ना हो, ग्रामीणों को परेशानी ना हो। समस्या संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, 26 किलोमीटर तक रोड का निर्माण करना है और 4 किलोमीटर की रोड को खोद दिया है, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं इतनी बुरी हालत इस सड़क की हो चुकी है कि पैदल चलना तक मुश्किल है। वाहनों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि इंसान यहाँ पर पैदल भी नहीं चल सकता। सवाल मेरा यह है कि जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्या कोई नौसिखिया कंपनी है जिसे जानकारी नहीं है कि किस तरह से रोड डालनी है हमें और बारिश के मौसम में रोड डलती है या नहीं डलती, किस तरह से डलती है, कोई पता भी है इस कंपनी को? बिल्कुल जया जी, बताना चाहूंगा। ये तेंदुखेड़ा से बरमान तक का मार्ग है जिसमें 10 से 12 ग्राम लगे हुए हैं। इस कंपनी ने बिना ही देखे इसको ठेका पूरा ले लिया है। काली मिट्टी और बजरा डालकर और भी कीचड़ का हो गया। इधर बस भी चलती थी 4-व्हीलर 2-व्हीलर। अभी की स्थिति है कि स्कूल वाले बच्चे पढ़ने जाने में भी बहुत मजबूर हैं, जो रोजगार के लिए ग्रामीणों का पूरा ठप हो चुका है। प्रशासन को ही पूरा पता, ठेकेदार से जब हमने बात करनी चाहिए तो उनका भी साफ तौर पर कहना कि काम कर रहे हैं आरंभ लगाया, हालांकि उस कीचड़ में अभी तक कोई सुधार भी नहीं किया जा रहा है। जी धर्मेंद्र जी, कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि काम चल रहा है, लेकिन कंपनी को ठेका सरकार की तरफ से दिया गया है, सरकार का कोई नुमाइंदा या प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पर पहुँचते हैं? कितना काम हुआ है, किस तरह से काम किया जा रहा है, यहाँ पर आके निरीक्षण किया जाता है उनकी तरफ से? तहसील स्तर पर जब हमने SDM से बात करना चाहिए तो उनका कहना कि मीडिया के द्वारा मेरे संज्ञान में अभी मामला आया, मैं इसकी जांच कराता हूँ, आज के 2-3 दिन हो गए लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुँचता है। इसका मतलब ये है कि मीडिया में जब तक खबर नहीं आई थी तब तक किसी भी के अधिकारी को जानकारी नहीं थी। इसका मतलब तो यह है कि लोग निरीक्षण करने पहुंचते ही नहीं है सड़क पर, किस तरह से काम हो रहा है जाके इन्हें देखना भी मुनासिब नहीं समझा एक बार भी, और शिकायत मिल गई है, शिकायत प्राप्त हो गई है, उसके बाद भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये बड़ी कंपनी का ठेका, करोड़ों रुपए की लागत का ये ठेका, लेकिन इसको पूरे नियम को ताक पर रखकर ठेकेदार जो है वो काम कर रहे हैं। जी लेकिन धर्मेंद्र जी, ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सरकार ने कंपनी को ठेका दे दिया है, प्रशासन के स्तर पर कोई भी यहाँ पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचता, एक बार देखने के लिए नहीं पहुंचता है। सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है, बदतर भी शायद बहुत छोटा शब्द हो रहा है, बिल्कुल खराब हालत हो रही है, मिट्टी मिट्टी है, पैदल इंसान यहाँ पर नहीं चल पा रहा है, गाड़ी से जाने की बात तो दूसरी है। अगर ऐसे में कोई हादसा होता है, कोई बड़ा हादसा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? मैंने पूरे अधिकारियों को मालूम होने के बाद भी ये उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन कारण क्या है कि यहाँ पर आते नहीं है अधिकारी? ग्रामीणों से आपने इस संबंध में बात की, क्यों नहीं आना चाहते यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, क्यों आकर झांक कर देखते नहीं है यहाँ पर?
अधिकारियों का पूरा मालूम है, इन लोगों की सबकी मिली भगत होने से इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं आती हूं आपके पास धर्मेंद्र जी, आरएस राजपूत जी एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपूत जी स्वागत है आपका नादी टीवी पर। राजपूत जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलिए जी। राजपूत जी, तेंदुखेड़ा से बरमान तक 26 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जा रहा है और अभी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को इसका ठेका दिया गया है। कंपनी ने डोभी से 4 किलोमीटर तक का रोड खोद दिया है। अब सवाल मेरा यह है कि जो 4 किलोमीटर की रोड खोदी गई है, बद से बदतर इसकी हालत हो रही है। बदतर बहुत छोटा शब्द मैं यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा गंदी हालत हो रही है। यहाँ पर वाहन तो छोड़िए, इंसान पैदल भी नहीं चल सकता है। अभी की बता रही हूँ, रोड का निर्माण अभी हो रहा है ना? अभी मेरी बात हुई थी ठेकेदार से। हाँ, और पीडब्ल्यूडी वालों से बात किया तो उन्होंने जो क्रेशर का चूरा होता है ना वो डाल दिया है, तो अब आवागमन चालू हो गया है। अब ये पहले हुआ था, सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये है 5-6 दिन पुरानी बात, जब अच्छा। पानी गिर रहा था ना। हाँ, उस समय की बात है, लेकिन अब पानी भी बंद है, उन्होंने काम किया है। तो अभी जो रोड 4 किलोमीटर खोदी गई है उसको सही कर दिया गया है, वहां से अब वाहन निकल रहे हैं? हाँ, ये मेरे को यही जानकारी लगी है कि उन्होंने सही कर दिया है। एक सेकंड आप बने रहिएगा एसडीएम साहब, हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जो आप बात बता रहे हैं 4-5 दिन पुरानी बात है, अभी वहां पर काम चालू कर दिया गया है और वाहन वहां से निकल रहे हैं। एसडीएम जी को, महोदय जी को बताना चाहूंगा, अभी भी उधर की सड़क बंद है, 2-3 दिन से पानी नहीं गिरा है। और जब अभी भी जब शुरू बरसात में जब ये हाल है, अभी भी 2-1 दिन में फिर पानी गिरेगा, ज्यों की त्यों स्थिति बनकर रहेगी जी। एसडीएम साहब क्या कहेंगे? राजपूत जी आप, मैंने कल ही वहाँ पे कल भी विजुअल बना है। बात यह है कि वहाँ पे स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसे करोड़ों का ठेका दिया गया है, वहाँ पर काम में लापरवाही एक तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर झांकता तक नहीं है कि आखिर सड़क का निर्माण कैसे किया जा रहा है, किस क्वालिटी में किया जा रहा है। ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों को तो ये डर लगा हुआ है कि भाई हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो हम उसे लेकर कैसे जाएंगे जी। मैं दिखवाता हूँ, वैसे मेरी नॉलेज में तो ये है कि चालू हो गया है। बिल्कुल चालू नहीं हुआ है। आप ये बताइए, ये बताया कि जो क्रेशर का जो होती है ना बस, तो उन्होंने डाल दी है तो चालू हो गया है। वहाँ पर नहीं हुआ है तो मैं बात करता हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अजीम साहब, वहाँ पर वाहन दूर की बात है, पैदल आप नहीं चल सकते, और पैदल अगर आप निकलते भी हैं तो आपके घुटनों से नीचे तक कीचड़ वहां पर हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 किलोमीटर लंबी रोड पर अगर कोई जाएगा तो अपने हादसे को न्योता देना ही है उसे। आप कभी जाते हैं? आप गए निरीक्षण करने सड़क जब? मैं तो निकलता रहता हूं। जी जाती रहता हूं। जी जाता रहता हूं, चावल पाठा वहां से जाता रहता हूं। अच्छा, आप ये जो सड़क बन रही है यहां पर गए कभी? गया। फिर भी आपको जानकारी नहीं है? थोड़ी सी हादसा जानकारी है ना मेरे को। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर काम शुरू हो गया है और काम चालू है? यस, बिल्कुल चालू है, काम चालू है, लेकिन काम चालू नहीं हो रहा है ना, काम चालू है। सुनो ना, सुनो, जब क्या है कि जब उनका ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उन्होंने एक बाईपास भी दिया था, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा था 2 किलोमीटर, तो रास्ता कोई ऐसा बंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला है कि उसको जो है उसको तैयार करें, सही करें। रास्ता बंद नहीं है, ये तो हम भी नहीं कह रहे रास्ता बंद है, लेकिन 4 किलोमीटर लंबी रोड को खोदा हुआ है और वो इतनी खराब हालत में है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। आप कह रहे हैं कि आप वहां पर जाते रहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप वहां पर जाते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं? जब आप जाते हैं तो फिर आपको जानकारी क्यों नहीं है इस मामले की? आप कब गए थे आखिरी टाइम? 5 दिन से नहीं गिरा है, चालू है। लास्ट टाइम आप कब गए थे राजपूत साहब? आखिरी बार कब गए थे यहाँ सड़क का निरीक्षण करने? आप मैं निकलता रहता हूँ, कोई डेट थोड़ी याद है। अरे तो आप कह रहे हैं ना कि भाई 4-5 दिन से पानी नहीं गिरा, शुरू हो चुका है रोड, तो आपको पता होगा ना आप कब गए थे। आप ही कह रहे हैं ना कि मैं जाता रहता हूँ, तो कब गए थे आप आखिरी बार? चलिए ठीक है, मैं दिखवा लेता। लापरवाही ना करके कम से कम अपनी जिम्मेदारी से काम करिए। कोई लापरवाही नहीं है, कोई लापरवाही, कम से कम अपनी जिम्मेदारी से काम करिए। जिस कंपनी को ठेका दिया है कम से कम उससे बात करिए। जनता का पैसा है राजपूत साहब, जनता का पैसा है, इस तरह से वेस्ट मत कीजिए। कम से कम अपने केबिन से बाहर निकलकर एक बार देखा करिए कि भाई सरकार जनता, जाहिर हम तो सवाल पूछेंगे, हमारा काम है सवाल पूछना। आप कह रहे हैं कि आप जाते हैं, लेकिन अभी कि रोड जो है उन्होंने सही करवाया है। आप इस मामले में कंपनी से बात करेंगे, कंपनी से बात करेंगे। चालू है, ये बात सही है कि 5-7 दिन पहले जब पानी गिरा था
तो मिट्टी डालने के कारण कीचड़ फैला था और रोड बंद हो गया था, तो सही है बात। और एक उन्होंने डायवर्सन दिया था, उसमें 2 किलोमीटर चलना पड़ रहा था, तो घूम के जाते थे। कोई डायवर्सन नहीं है, ग्रामीण वहीं से निकल रहे हैं, ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर झांकता तक नहीं है। अब ग्रामीणों की तो मानना पड़ेगी ना भाई, क्योंकि वो तो वहाँ पर रहते ही है। अभी देखो ना आप, तो पानी 7-8 दिन से बंद है यहाँ पर। अगर आगामी में पानी गिरता है तो कल को वो स्थिति बनेगी। पानी को आप रोक लेंगे क्या राजपूत साहब, कि बारिश ना हो भाई, हम रोड का निर्माण कर रहे हैं? चलिए आप सब सही कह रहे हैं, मान लिया। मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि कम से कम अपना काम जिम्मेदारी से करिए, और जो दोषी है उसके खिलाफ कम से कम, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते पर उसे आप बात तो कर सकते हैं कि कम से कम जिम्मेदारी से अपना काम करिए। सरकार ने जनता का पैसा दिया है, जनता के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं और जनता का ही पैसा उसमें लग रहा है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं और जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका राजपूत साहब, एसडीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत शुक्रिया आपका भी, संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे।